हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आज हम बनाने वाले दही वड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही सुपर सॉफ्ट ऐसा दही भल्ला बनके रेडी हो जाएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में एक ग्लास उड़द की दाल ले ली है। इसको हम धो के 4 घंटे सोक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पीस के रेडी हो चुकी है दाल। तो हमें ये एकदम चिकनी ऐसी दाल पीसनी है। तो इसको भी हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं। तो इसमें डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और इसको हम अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेटेंगे। फेटने के लिए हमें 5 से 7 मिनट तक लग सकते हैं। तो यहाँ पे फेट के रेडी हो चुकी है दाल। अभी हम इसको पानी में थोड़ा सा डाल के इसको चेक करेंगे कि हमारी दाल का बैटर जो है वो अच्छे से रेडी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा दाल का बैटर जो है रेडी हो गया है। अभी हम इसको पानी का हाथ लेके ऑयल में छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम पानी का हाथ लेंगे और ये बैटर लेंगे हाथ में और ऑयल में छोड़ेंगे। तो एक बारी में जितने हमारे ऑयल में ये वड़े आते हैं उतने हम इसमें डालेंगे। इसमें हमें उलट पलट करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितना, क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेटा है तो ये अपने आप ही उलट पलट हो जाते हैं। तो यहाँ हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और एक साइड से ये पक चुके हैं। अभी दूसरी साइड को हम इसको पलटाएंगे। तो यहाँ उलट पलट करके हमने इसको पका लिया है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे वड़े बनके रेडी हो चुके हैं। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ हम दूसरी बैच भी रेडी कर लेते हैं। एक वड़ा मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ, देख सकते हैं आप कितने एयर पॉकेट्स निकले हैं वड़े के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक गंज में पानी ले लिया है, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम हींग, इससे डाइजेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसमें सारे हम वड़े डाल देंगे और इसे हम 5 ही मिनट भिगोने के लिए छोड़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे, बस 5 मिनट। यहाँ पे भीग के रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको हथेली में रख के इसका पानी निचोड़ के इसको हम साइड में रख देंगे। इसको हम ज़्यादा मतलब नहीं निचोड़ेंगे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो इन सभी को हम पानी निचोड़ के एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे निचोड़ के रेडी हो चुके हैं वड़े। तो यहाँ पे हमने दही ले लिया है, अच्छे से हमने उसको फेंट लिया है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब शक्कर डाल देंगे और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसको हम अच्छे से दही में फेंट लेंगे। और यहाँ पे हमने वड़े डाल के यहाँ पे हमारा दही वड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको भी 5 मिनट ऐसे ही दही में रहने देंगे। तब तक हम बना लेंगे इमली की चटनी। तो यहाँ हमने इमली का पल्प ले लिया है, इसको हम पैन में डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे नमक और 1 चम्मच के करीब शक्कर, भुना हुआ जीरे का पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल के इनको अच्छे से हम मिक्स करके इनको हम उबाल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है इमली की। तो अभी हम इसको गैस बंद करके इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है मिक्सी का जार, उसमें डाल देंगे धनिया पत्ता, मिर्ची और एक अदरक का टुकड़ा। इन सभी को हम
मिक्सी जार में डाल देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच जीरा और यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के हम इसको अच्छा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हरी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं सर्व करने की प्रोसीजर में। हम सबसे पहले दही भल्लों को सर्व कर लेंगे। तो यहाँ हम स्टिक्स साइड जैसी दिखने चाहिए या इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कटोरा लिया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा दही डाल देंगे। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी चटनी। अभी हम डाल देंगे लाल चटनी। थोड़ा सा हम मिर्ची पाउडर छिड़केंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर भुना हुआ जीरे का पाउडर भी छिड़क देंगे और साथ ही में छिड़केंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे हमारे दही भल्ले बनके रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये सुपर सॉफ्ट दही भल्ले की रेसिपी अच्छी लगी है, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। तो फिर से मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।